सो फ्रेंड्स, अब ऑपरेटिंग लीवरेज की हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर ईच ऑफ द फोर फर्म्स ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डाटा. सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग यूनिट दे रखी है. व्हाट कैलकुलेशन कैन यू ड्रॉ विच रिसोर्स टू लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. नंबर ऑफ यूनिट्स इन्होंने दे रखी है कि आपकी 5000 है. ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन. सो हमारे पास चार फर्में हैं. ए बी सी एंड डी, ठीक है ना. यूनिट सोल्ड दे रखी हैं चारों के केस में 5000. तो सेल निकल आएगी 20 रुपए से, ये होगी 1 लाख, 1,60,000, 2,50,000, 3,50,000. वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज से, तो ये 80,000, 1 लाख एंड 2,50,000. तो कंट्रीब्यूशन आएगा इसमें से, फिक्स कॉस्ट आप कम करेंगे तो आपका ईबीआईटी आ जाएगा. ठीक है जी. सो ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी, सॉरी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. चलिए तो ये आता है 70,000, ये आपकी है फिक्स कॉस्ट 60,000, तो ये होता है 10,000, तो इसका आएगा 7. अब इसमें देखेंगे तो ये 80,000, ये है 40,000, तो ये आएगा 2, 1,50,000, 1 लाख, तो 50,000, तो ये होगा 3, ठीक है, एंड 1 लाख निल. और अगर निल है तो ये क्या आएगा, 1 लाख, तो ऑपरेटिंग लीवरेज आपका आ जाएगा 1. ठीक है जी. तो इन्होंने यही पूछा था आपसे, और क्या पूछा था. कैलकुलेट दी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. बेसिकली ये ऑपरेटिंग लीवरेज ही है. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज या ऑपरेटिंग लीवरेज वन एंड द सेम थिंग. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज तब आती है जब परसेंटेज चेंज इन सेल्स और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकला हो. सो बेसिकली जब ऐसी सिनेरियो होगा तो ईबीआईटी अपॉन सी अपॉन ईबीआईटी ही आपका ओएल या डीओएल होगा. थैंक यू वेरी मच.